इन दिस क्वेश्चन, तो जैसे ये एम्फी प्रोटिक सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस जो होता है, इस केस में जो H प्लस का फॉर्मूला है वो क्या है? अंडर रूट के वन इंटू के टू, है ना? ये एम्फी प्रोटिक है, SCO3 माइनस, ये H प्लस ले भी सकता है, तो यहां पे बन गया H2CO3, और H प्लस दे भी सकता है, यहां ये बन गया कार्बोनेट आयन। और इसका नेगेटिव लॉग ले लें पूरे का, तो मेरा pH हो गया pKa1 प्लस pKa2 ओवर 2। K1 दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है ना? नेगेटिव लॉग ले लेंगे उनका, तो वो pKa1 pKa2 आ जाएंगे। तो यहां मतलब ऐसे कर लेते हैं कि जो भी एम्फी प्रोटिक है तो वो एनायन देख लेते हैं कि ये कहां से आया है, तो H2CO3 से आया है, और H प्लस देगा तो वो कहाँ चल जाएगा? कार्बोनेट पे चल जाएगा। तो जहां से वन हो गया और आगे जहां बढ़ेगा वो K2 हो गया, तो उनको अप्लाई करके दिस विल गिव अस द आंसर।